भाई साहब खाते सीज करके नेताओं को जेल में डालकर क्या विपक्ष को खत्म किया जा रहा है? यही तो लक्षण है फांसीवादी डिक्टेटरशिप में। इनका विश्वास न लोकतंत्र में है न संविधान में। मोदी जी का कहना है कि इस बार 400 पार सीटें आ रही है, क्या लगता है? कम का 543 को लेकर आपने चंदे का धंधा ट्वीट किया है क्या? Yeah. क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, आईटी भेजो, पहला पकड़ो और वसूली करो। केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के विरोध में घोर विरोधी, घोर विरोध करते हैं उसका। ये लोकतंत्र की हत्या है और जिसको जनता ने चुनकर भेजा उसको आपने बिना सबूत के उसको जेल भेज दिया और रिमांड ले लिया। तो जुडिशियरी से प्रार्थना करता हूँ कि आप ये कर क्या रहे हैं? आप किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मैं तो राजगढ़ के मतदाताओं के बीच आया हूँ उनका प्रतिनिधि बनने के लिए। कुछ दिन पूर्व आपने ही मना किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा था लेकिन जब पार्टी का आदेश होता है तो कार्य करता हूँ। आपने जुडिशियरी का आशीर्वाद देने वाली माँ के दरबार से चुनाव प्रचार की शुरुआत की, अब जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? जब कोई चुनाव लड़ता है तो पूरा आश्वासन होने के बाद चुनाव। क्षेत्र में रेलवे सबसे बड़ा मुद्दा है, क्षेत्र में रेलवे सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे बताया यहाँ से आगर से लेकर झालावाड़ तक रेलवे लाइन की मांग पुरानी चली आ रही है। मैं आपको बता दूँ रामगंज मंडी से भोपाल रेलवे लाइन मेरे ही समय मंजूर होते करवाई। भाई साहब कांग्रेस छोड़कर नेता जो है बीजेपी में जा रहा है, लगातार जा रहा है, तो रोकने के लिए क्या रणनीति? राजनीति विचारधारा की लड़ाई होती है। जो छोड़ के जा रहे हैं उनको धंधा करना है, डर है, गलत काम किए जेल चले जाएंगे, ईडी आ जाएगा, आईटी आ जाएगा, सीबीआई आ जाएगा। तो चाहिए रेत की खदानें, इनको चाहिए क्रशर के मिशन, जिनको दलाली करनी है वो जा रहे हैं सरकार के साथ। विचारधारा की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और जो जा रहे हैं ये वो लोग हैं जिनकी कभी कांग्रेस पार्टी से कोई विचारधारा की कहीं कमिटमेंट नहीं था, संलग्नता नहीं थी, इसलिए वो लोग जा रहे हैं। लेकिन उनके साथ अकेले जा रहे हैं, वो जनता उनके साथ नहीं जा रही। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाजपा भी हिटलरशाही को कर रही है। मैं तो शुरू से कहता था बात ये है, एक बात सुन लो, हिटलर ने जब फांसीवादी एक तंत्र स्थापित किया वहाँ के एक पोएट ने, पेस्टर ने एक कविता कही, वो अंग्रेजी में है लेकिन हिंदी में अनुवाद करके बताता हूँ। जब वे समाजवादी नेताओं के खिलाफ आए तो मैं चुप था, फिर वो मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ आए तो मैं चुप रहा क्योंकि मैं मजदूरों की लड़ाई नहीं लड़ता। फिर वो कम्युनिस्टों के लिए आए पकड़ने, मैं चुप रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर जब वो मुझे पकड़ने आए तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं बचा। यही हालत पूरे देश में उन सब की होगी जो आज मोदी मोदी कर रहे हैं। आपके प्रतिद्वंदी पिछले 10 साल से विकास कार्यों को न गिनाकर मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मोदी चुनाव लड़ रहे हैं राजगढ़ से।